अभी जा रहे हैं फिलहाल अपन लोग जाम गेट प्लस वाटरफॉल। वाटरफॉल कौन सा है? शीतला वाटरफॉल। हाँ, इसी अंदर में गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहे ना। इसमें कल का ब्लॉग में देखा ना, एक बटन मारो देखो जाकर, क्योंकि बहुत तगड़ा ब्लॉग था, सराफा गया था। पहली बार एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसा एक्सपीरियंस अपना देखो। ठीक है, तो बस फटाफट इन लोगों के लिए हमने कैब बुक कर दी। ये लोग कैब से आएंगे क्योंकि हमने स्कूटी हायर की थी, तो स्कूटी उठानी है वहाँ से। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, मजबूरी थी लेना पड़ा, मैंने आसपास की स्कूटी मिली नहीं थी। तो मैंने और कल भी हम एक बढ़िया जगह जा रहे हैं, तो उसके लिए भी ब्लॉग देखना पड़ेगा। सब्सक्राइब मारो अभी के भी, लाल बटन दबाओ। ठीक है, तो फटाफट से करो, उनका ओला आ जाए, बाइक में बैठते हैं और एक छोटा सा टाइम लैप्स करते हैं। क्या हो गया? तो वाला देखो, फाइनली स्कूटी मिल गई है। पोपलू भी रेडी हो रही है स्कूटी चलाने के लिए अंचल के साथ। तो फाइनली यहाँ से अपनी ट्रिप स्टार्ट होती है। फाइनली जाम गेट के आधा रास्ते जाएंगे, आधा रास्ते बाद कुछ खाने के लिए रुकेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। छोटा सा भी ब्रेक लिया, ब्रेक के अंशुल को पीछे ना जोत कर अम्बेडकर की जहाँ पर मुझे जन्म है वहाँ की फ़ोटो लेनी थी, तो वो फोटो ले रहा है। यहाँ पे दिखा दूँगा फ्लैश करके कौन सी फ़ोटो है। बस वो लोग आ ही रहे होंगे, बस पीछे वो लोग आ गए पीछे वो स्कूटी से। तो अभी कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर जाम गेट के लिए, और फिर वाटरफॉल के लिए वहाँ से पता ही नहीं। ले ली फोटो हैं, चलो सीधा वहीं पे। मतलब टाइम लैप्स ही दिखाऊंगा बाइक पे, क्या बातचीत करेंगे। ठीक है, टाइम लैप्स ही देखो फिलहाल, बढ़िया से टाइम लैप्स, बस भागना नहीं है कहीं भी बस। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खा के नहीं निकले थे, तो समोसे जाम गेट क्यों कह रहा हूँ, पेप्सी लिए, क्योंकि आगे उम्मीद नहीं कि कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अपने का चलो ठीक है, ये खा के साइड होते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखो काजल फैल गया बेचारी का। तो वाला देखो, खाना हो चुका है, अब निकल रहे सीधा ट्रिप के लिए, पूरी करने के लिए। तो साफ सफाई देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आशा उठाओ उसको, ठीक है, हटाओ इन सबको और इस सबको सीधा डस्टबिन में डालने का, क्योंकि जहाँ भी जाओ साफ सुथरी जगह बनाए रखो। ठीक है, सीधी सी बात। डाकू मंगा सिंह इज गोइंग ए जबेड़ी। तो ठीक है, आप सीधा सीधा जाके बैठते हैं, फिर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है ना तो आपको दिखाते हैं, वरना जाम गेट का व्यू तो बहुत तगड़ा दिखाने वाला। ऊपर से फोन की मेमोरी भर गई यार, मैंने कल जाने दिया, कल का ब्लॉग भी मेरे फ़ोन में अभी तक पड़ा है। माना बहुत तगड़ी स्टोरेज है, मेरे फ़ोन में 100+ है, बट फिर भी वीडियोज़ काफ़ी हाई क्वालिटी में बन रही है, तो स्पेस अच्छा लग रहा है, इस वजह से स्पेस कम है। तो बढ़िया चीज़ें दिखाने के लिए तो थोड़ा कंटेंट उठा कट करना पड़ेगा, बट ज़रूरी चीज़ें दिखाऊंगा। क्या हो गया? ओ वहाँ जो पहाड़ दिख रहे हैं, तो अंशुल और पीछे रुक गए भाई फोटो खींचने के लिए, देखो अब यहाँ से मैं बैठूंगा बाइक पे उल्टा, क्योंकि अब करेंगे प्रॉपर व्लॉग शुरू। अरे बहुत सही रोड है, मतलब एक नंबर के भी मिलने वाले हैं, तो एंजॉय करो। वहाँ पे जस्ट रुका हुआ है, ठीक जस्ट वहाँ। तो चलो आ, क्या हो गया सुसु, हैं क्या कर रहा है ये? नहीं, कौन सा फूल है? अच्छा, तो
तो भाई मस्त शूट होने वाला था यार ये फूल पता है क्या जब होली का टाइम होता है तभी तभी फूल उगते हैं अच्छा तभी उगते हैं ये फूल ऐसे बनता है होली का रंग क्या बात है भाई फोटो खींचनी बनती है इसकी तो फोटो डालते रुको हैदराबाद में क्या रोड है जब सुपर कास्ट आती है रोड हम देखना और ये लोग पीछे से भी आते हुए ये लोग का व्यू यार भाई लोग व्यू देखो मुझे एकदम से ऐसा मौसम बदला उस तरफ धूप है जैसे अपन यहाँ एंटर करें जस्ट अभी हम क्रॉस कर रहे थे रास्ता वहाँ से और हमने व्यू पता क्या देखा ये भाई साहब कैमरे से जस्टिफाई ये बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता ऑलमोस्ट क्या ही बोले यार क्या ही व्यू है सीरियसली क्या ही व्यू है तो भाई लोग देखो फाइनली वी आर हियर जाम गेट के पास पहुंच गए और लुक एट द व्यू यार जितनी तारीफ कर रहे उतनी कम है मतलब ऐसा लग रहा पूरी दुनिया सामने है ना भाई क्या ही तगड़ा व्यू कैसा लग रहा है तू बता तेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा भी फर्स्ट टाइम ही है मजा आ गया ना चलो ये इसका इंदौर आना मेन था क्या कह रही तू उससे पहले बाल बना ले अपने मतलब व्यू यार एक नंबर तो भाई लोग यहाँ का व्यू इंजॉय कर लिया अब यहाँ से जाना है जस्ट अपन को नीचे वो जो रोड जा रही है ना वहाँ के उसके बाद एक तगड़ी इसको एक जगह और जाना है ब्लॉग पूरा देखो समझ में आएगा कहाँ जाना वाला यार मज़ा आ गया इसको बिल्कुल अपन गन्ने का जूस करने जा रहा ना यही है तो यही गन्ने का जूस पीते हैं जब्बा मज़ा आ गया पानी पी गया बंद करने का जूस पीएंगे चला जा वह जूस लगा दो पी लेना तीन गिलास लगा दो गन्ने का जूस पीते हैं फिर सीधा निकलते हैं भाई साहब आप जाएंगे अरे नीचे तो यहाँ तक आए तो होके आएंगे ना एकदम नीचे तक फिर वहीं से वाटरफॉल जाएंगे एक दो किलोमीटर भी अच्छा जाना आ जा अरे प्रजल बता रहे हैं ना मानेगा नहीं यार अपन को नीचे जाना नहीं मानेगा हाँ छोटा सा स्टॉप लिया फोटो शूट कराने के लिए क्योंकि व्यू से रोका ही नहीं गया वो सामने जाम गेट है सामने साहबूस आ ही रही है बोलो यार फोटो लेनी है जब्बा तेरी है पहली रेडी हो रही फोटो लूंगी मैं
भाई लोग तो देखो फोटो शूट हो चुका है, सारी फोटोज मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पर। सबसे बड़ा लोग पता क्या हो गया, मेरे जूते का सोल निकल गया। एक जूता ऐसा है, दूसरा जूता ऐसा है, मैं कैसे जाऊंगा भाई? अभी जाना है दूसरी जगह भी, भले नीचे गरम गरम नहीं लग रहा, पर क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है? इतनी दूर आया अब तो मेरे लिए क्या ही ट्रैक है, क्या करूं? चल चल अब चलो जल्दी चलाओ, दूसरी जगह जाना है, पसीना बहुत लग रहा है, ला रहे जल्दी से चलते। पहले पानी दे देना, और आगे से भी सिर घूम रहा भाई मेरा, प्रॉपर सिर घूम रहा है। हाँ एक तो सांस भी फूल रहा, सिर भी घूम रहा, कसम से यहाँ के तो जो भी है मजा आया है लेते हैं। तो भाई लोग देखो जाम गेट का सफर यहीं तक था बस। अब एक काम करते हैं, अब जो नई डेस्टिनेशन है ना अपनी, सीधा वहीं जाके मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में वापस रिपीट दिखाऊंगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा, ठीक है? तो जो भी नई जगह होगी सीधा वहीं मिलते हैं भाई। बहुत बाय बाय टू जाम गेट, अब सीधा मिलेंगे जब कभी मिलना होगा तब, और अब चलेंगे सीधा अपनी नई डेस्टिनेशन पर। पीछे से अपनी गाड़ियाँ आ रही हैं, आ जाओ चलो, तो सीधा मिलते हैं नई डेस्टिनेशन पे। हाँ भाई तो यहाँ से रास्ता है, तो फाइनली वी आर हियर, अब पर आया पताल पानी वाटरफॉल। तेरा फोन मेरी जेब में, पताल पानी वाटरफॉल आए हैं अपन। अब पताल पानी नहीं है, कौन सा वही बंदर भी है नीचे, काटेगा तो नहीं? फोन जेब में डालो भाई, फोन जेब में डालो, बंदर है नीचे, फोन जेब में डालो। तो गाइस देखो अपडेट ही है, बहुत गंदा कटा है। तो वही कहा था भाई, अभी पता बंदर ना फोन ले जाता, बस बच गए जैसे तैसे करके। और ये देखा पूरा सूखा पड़ा है, मतलब यार इतना मन से आते हैं, बस नीचे वो मंदिर है, पताल पानी में, पताल पानी क्या है बोलूं, उसमें बोली भी थी मैं। नहीं नहीं पताल पानी में वो कैसे जर रहा, अगर दूर से देख सकते अपन, लेकिन वहां पे जा नहीं सकते नहीं तो। हां पताल पानी में जाने से अपॉइंटमेंट होती है, वो सच है, ये ठीक है एक बार। हां ठीक है, मतलब इतना बोलो ये पूरा पानी से भरा होता, और इससे भी नीचे 1 किलोमीटर कहां है भाई, यहां तो खत्म हो गई जमीन, उधर है जाना है पूरा एंड तक। छोड़ भाई आज के लिए बहुत है भाई, दो पहाड़ों के बीच में तो बस यही था यार, मतलब क्या बोलूं, कोई नहीं यार, होता है कभी कभी हो जाता है, कल का कल चले जाएंगे कहीं और, मतलब जाना तो है अपन लोगों को, तो चलें वापस सब टाइम से आप 56 चलना है ना, भूख नहीं लग रही, घर पे बनाएंगे किसकी मत बनाएंगे। तो वाले लोग देखो अपना सीधा घर निकल रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, तो अब सीधा ना घर जाके मिलेंगे, क्योंकि मेरी तो चुकी प्रॉपर बैटरी डाउन, जब तो बेहोश होने को, ये दोनों अपने बस चला के ले जाएंगे, तो बस हम नॉन स्टॉप पकाएंगे सीधा और घर पर मिलते हैं। तो वाले जगह 41 किलोमीटर दूर अभी अपन लोग इंदौर से, तो अपन लोगों ने ना ब्रेक लिया है यहाँ पर, तो चाय वाय पियेंगे यार, क्योंकि भाई अलग से 41 किलोमीटर है तो यूँ निकल जाएंगे, अब तो यूँ निकल जाएंगे, यूँ निकल तो मालूम पड़ेगा, और अब इंदौर के जाम में मिलेगा ना वो मालूम पड़ेगा, वो मालूम पड़ेगा ना, कुछ खाते पीते हैं सबसे पहले। तो वाले देखो आज तक ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आज तक ने पराठे लगवा दिए इतने, क्योंकि तू ही खाती है आज तक इतना सारा दही पराठा, वो तो फिलहाल उधर दे दिए वरना वो भी खा जाती है। तो वाले देखो खाना पीना एकदम हो चुका है, आ रही है भयंकर वाली नींद, मैं तो पीछे सो जाऊंगा आराम से बैठ के सोना, मतलब मेरे को हैं की बात है, यहाँ से बस बिल्कुल ही सीधा जाना है। कौन से 100 रुपये? 400 रुपये अभी पूरे 500 बनने बेटा, अभी मैंने पूरा हिसाब नहीं बताया, आई बड़ी ठीक है, सब सीधा रूम में मिलते डायरेक्ट। सो गाइस वी आर बैक, तो इस वीडियो को ना यहीं रैप अप करते हैं, क्योंकि वृद्धि वर्ग की हिम्मत नहीं बची, क्योंकि कल का ब्लॉग भी एडिट करना है, कॉलेज का भी काम करना है, और थके हुए हैं वो अलग। तो अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल के बढ़िया ब्लॉग के साथ, गुड बाय। One's a company, two's a crackin', three's a party comin', more.